आज हम बनाएंगे ऐसे पराठे जो आपको दो तरह का टेस्ट आने वाला है। आलू स्टफ पराठा, जो इसके अंदर आलू को भर के बनाएंगे और इसके अंदर आपको पालक का भी टेस्ट नज़र आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटे से स्पाइसी पराठे बनके तैयार होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो जब भी आपको यकीन आएगा कि मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे बनके तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह की फ़ज़ल से आप सब अच्छे रहो। तो ये देखिए, ये मैंने पानी को मैंने हल्का सा बॉयल करने रख दिया था पहले ही। और पालक ले ली हमने, एक गड्ढी हमने पालक ले ली थी, इसको हमने अच्छे से धो के वॉश कर ली थी। बस इसको हम पकाएंगे नहीं, बस गर्म पानी में डाल देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि जो पालक है हमारी हरी भी रहेगी और इसको हमें पकाना नहीं है, वरना पालक का जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सारी पालक को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे कॉमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती तो बताया करें, अच्छी नहीं लगती तो ये बताया करें, पर बताया ज़रूर करें प्लीज़ फ्रेंड, और वीडियो को फुल देखा करें। तो ये देखिए, बस आप इस टाइम हमने ना गैस बंद कर दी है बिल्कुल, बस पानी को हमने एक बॉईल लिया था और ये पालक जो है ना हमारी हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद ना तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। नॉर्मल पानी जो होता है ना, अगर गर्मी है तो आप बर्फ़ के पानी में इसको डाल सकते हैं, अगर ठंडा पानी, आप तो वैसे सर्दी हैं तो आप इसे नॉर्मल पानी जो आता है ना तो आप उसमें भी पालक को डाल दीजिएगा। तो पालक क्या होता है ना, उसका कलर जो है बिल्कुल वैसी रहेगा, इसे ग्रीन कलर होता है पालक का और बिल्कुल बदलेगा नहीं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस टाइम आपको क्या करना है, पालक को निकाल लेंगे सारी। ये देखें, ये ठंडे पानी में मैंने तुरंत डाल लिया है पालक को और इतने मज़े के फ्रेंड्स ये पराठे बन के तैयार होते हैं। आप जब आप अपने घर में बनाएंगे तब आपको यकीन आएगा। और जो बच्चे पालक नहीं खाते, आलू वगैरह नहीं खाते ना, तो आप उन्हें इस तरीके से बना के दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं इसको रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए ठंडी करने के लिए रख देंगे और 2 मिनट में हो भी जाती है। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे अपनी पालक जो मैंने पानी में भिगो रखी थी, और इसमें ना बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं सारी पालक इसके अंदर डाल दूंगी और इसके अंदर ना हम 2 हरी मिर्चें डाल देंगे तोड़ के हाथ से। मिर्ची अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि मिर्ची मेरी बहुत तीखी है तो मैं 1 या 2 डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और 2 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 ही डाली है फ़िलहाल, तो बहुत तेज़ हमारी मिर्चें थी, तो इसको हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। और आप इसमें बिल्कुल पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, ग्रीन कलर आया है। तो इधर हमने एक बर्तन में आटा ले लिया, ये मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया। इसमें हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला था वो स्किप हो गया फ्रेंड्स। और जो हमने ये प्यूरी बनाई थी पालक की, तो वो भी हम ऐड कर देंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखें, मैं हाथ से मिक्स करूँगी, जो इसमें पानी मिक्सी के जार में था ना, तो वो भी हम इसको धो के डाल देंगे इसके अंदर जब पानी हमारा कम लगेगा। तो अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा अभी, पहले आप इसको अच्छे से मिला के देख लें जब डालिएगा। देखिए मैंने मिक्सी के जार को धो के इसमें ही डाल दिया इसका पानी। और सर्दियों में तो वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स, पालक के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हो गए, तो ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों में। सर्दियों में किस चीज़ का मज़ा नहीं है फ्रेंड्स, हर चीज़ का मज़ा है। गरम गरम पराठे, गरम गरम पकोड़े, हर चीज़ अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स। तो देखिए मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, एकदम डालेंगे तो क्या होगा ना, ये पतला हो जाएगा आपका आटा, तो आपको बस आराम से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर से कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। तो आटे को अच्छे से हम गूंद लेंगे और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आटा जो गूंद के तैयार हो चुका है, इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और इसकी आगे की तैयारी ना हम शुरू करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू ले लिए, ये मैंने बॉईल कर लिए थे, और आप अपने हिसाब से आलू ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसमें जाएंगे मसाले, 1/2 चम्मच जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, भुना कूटा जीरा 1/2 चम्मच, चिल्ली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 पिंच डाल देंगे इसमें अजवाइन, और इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और 1 हरी मिर्ची वो भी काट के डाल देंगे। नमक मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें। इसकी इतनी मज़ा चटपटी सी फीलिंग्स तैयार होती है फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार सी।
तो इधर हमने सारे पेड़े जो मैंने बना लिए थे, आप पेड़े जो है ना छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हो, और इसको हम बेल लेंगे। और जो हमने अपनी सारी फिलिंग्स बनाई है ना आलू की, वो इसके अंदर हम भर देंगे। और ये देख लें, हम इधर से फोल्ड कर देंगे। इधर से फोल्ड करके आप चाहो तो जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो फ्रेंड, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको हल्के हाथ से क्या करेंगे, दबा देंगे। जो इसकी हमने फिलिंग्स डाली है अपना आलू की, वो बिल्कुल निकले नहीं, और हल्के हाथ से बेलेंगे। ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं बेलेंगे, वरना ना आलू की सारी फिलिंग्स बाहर निकल जाएगी फ्रेंड्स। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिएगा। इधर हमने तवा जो है हमने पहले ही चढ़ा दिया था फ्रेंड्स, ये हमारा गर्म हो चुका है तवा। तो इसमें हम अपना पराठा डाल देंगे। तो ये मैं अपना पराठा डाल देती हूँ। ये देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम पलट देंगे अपने पराठे को। बहुत ही मज़े के बनके पराठे बनके तैयार होते हैं फ्रेंड। ये देखिए मैंने पलट दिया अपना पराठा, और इसके अंदर हम घी, आप घी या ऑयल कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया था, तो मैंने ऑलिव ऑयल डाला था। अगर आप घी चाहो तो घी भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए जितने आप ना तेज़ आँच पे और घी डाल के या तेल डाल के, ज़्यादा तेल डाल के पराठे सेकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं। तो ये देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। तो ये पराठे हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम निकाल लेंगे और सारे पराठे ना ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और आपको हल्का के हाथ से दबाना है पराठे को, जब भी आपका कलर इतना अच्छा आता है पराठों में, बहुत ही अच्छा। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ना जले हैं हमारे पराठे ना कुछ, ऐसे ही कलर पराठे का अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारे पराठे हम इस तरीके से बना लेते हैं, और जो ये बन गया है इसको हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने दूसरा पराठा भी ऐसे ही डाल दिया था मतलब, और इसको भी मैं सेक लूँगी। तो देखिए फिर हमारे सारे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो गए फ्रेंड। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट पराठे बनके तैयार होते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे बिना चटनी के भी खा सकते हैं फ्रेंड, बस चाय बनाइए और इस पराठे को इंजॉय कीजिए। इतने नरम मुलायम पराठे बनके तैयार होते हैं, मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी इसकी फिलिंग तैयार होती है अंदर, और बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती तो बताया करें, अच्छी नहीं लगती तो ये बताया करें, पर बताया ज़रूर करें। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।